सुपर सून इन माई नेक्स्ट ब्लॉग. बाय बाय. ब्लॉग बहुत लंबा हो गया होगा इसलिए बंद करना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं उसको बहुत लंबा कर सकती थी. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू येट अनदर ब्लॉग. रात का टाइम है, आई थिंक 8:45 के करीब बज रहे हैं. घर पे लेडीज़ आई हैं संगीत के लिए. एज यू गाइस नो, मेरी शादी होने वाली है जल्द ही, इसी मंथ एंड में. सो बहुत ही थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट रहूँ. घर पर बहुत सारे रिलेटिव भी आ रखे हैं. लेट मी शो यू फर्स्टली द थिंग्स विच आई एम गोइंग टू शो यू, क्योंकि मैं एक सिट डाउन वीडियो करना चाहती थी बट ड्यू टू मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं कर रही हूँ इसी तरह से एक ब्लॉग. और मैं आपके सामने कुछ चीज़ें शेयर करूँगी, लाइक मेरी 2-3 मंथ से मैं इनको कॉन्टीन्यूसली यूज़ कर रही थी और ये चीज़ें कुछ एम्प्टी पड़ी हैं. अब मैं आप लोगों के साथ अपने रिव्यू शेयर करूँगी कि ये चीज़ें कैसी हैं, कैसे मेरे पे इन्होंने वर्क किया नहीं किया. मैं फिर से इनको रीपर्चेज करूँगी नहीं करूँगी. सो आई एम गोइंग टू शो यू दिस थिंग्स. ओके, सो द फर्स्ट प्रोडक्ट विच आई एम गोइंग टू शो यू इज़ दिस मेबलिन फिट मी लूज पाउडर एंड इट रिटेल फॉर रुपीज़ आई थिंक 500 to 600. येस, अभी भी ये बहुत सारा पड़ा हुआ है और मैं इसको यूज़ इसलिए नहीं कर पा रही हूँ कि आई थिंक इसकी डेट एक्सपायर हो गई होगी. ऑल दो मेरे पास यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं है क्योंकि ऊपर वाला जो इसका रैपर होता है वो मैंने निकाल दिया था इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रही हूँ. और आप देख सकते हो अभी भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट है इसमें. फर्स्टली मैं ना इस ट्राईपोर्ड को एक जगह पे स्टैंड कर लेती हूँ ताकि मैं आराम से आप लोगों के साथ बात भी कर सकूँ और प्रोडक्ट भी दिखा सकूँ. सो वेट फॉर द मिनट सेट फॉर द वीडियो. अच्छा, सेकेंड चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये गुड वाइब्स का ग्लो रोज टोनर है. आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट. मैंने ये 2 से 3 बॉटल फिनिश कर चुकी हूँ और मैंने इसको फिर से रीपर्चेज किया है. आई एम डेफिनेटली रिकमेंड दिस टू यू गाइस क्योंकि इतना अच्छा है, इतना माइल्ड है, आपकी स्किन पे स्किन बहुत रिफ्रेश हो जाती है इसको यूज़ करने के बाद. मैंने इसमें और भी वेरियंट ट्राई किया लाइक पॉमिग्रेंट एंड इसके बाद मैंने रोजिप वाला भी ऑर्डर किया हुआ है, अपनी ब्राइडल किट में डाला है उसको. तो आप ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. इसका प्राइस भी जो है ठीक ठीक है, 195 का है एंड आपको काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी मिलती है लाइक 120 ml फॉर. और आपको पता है पर्पल पे हमेशा डिस्काउंट चल रहे होते हैं, अच्छे अच्छे ऑफर्स चल रहे होते हैं. सो यू कैन ग्रैब दिस वन एंड आई रियली लाइक दिस वन फ्रॉम गुड वाइब्स. यू कैन डेफिनेटली रीपर्चेज दिस. ओके, नेक्स्ट हीरो ने एंट्री मारी है वो है ये प्लम का ई ल्यूमिनस डीप मॉइस्चरिंग क्रीम. ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी विंटर्स के लिए, नॉट फॉर द समर, क्योंकि समर में हमारी स्किन ऑलरेडी इतना ऑयल प्रोड्यूस करती है. एंड जिन लोगों की भी ड्राई स्किन है आप लोग इसको विंटर्स में ट्राई करिए. मेरी स्किन बहुत ड्राई है और जब भी मैं इसको विंटर्स में यूज़ करती हूँ मेरी स्किन इतनी अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है. यू कैन सी ये कितनी मेरे को पसंद है इसलिए मैं इसको पूरा खाली कर चूँगी. इट इज़ ऑल एम्प्टी और अब ये जो है थोड़ा सा बची थी बट ये जम चुकी है आई गेस अभी, एंड अभी नहीं दिखेगी क्योंकि जम चुकी है. सो यू कैन बाय इफ़ यू हैव अ ड्राई स्किन प्रॉब्लम देन यू कैन बाय दिस वन फ्रॉम द प्लम. थोड़ा जल्दी जल्दी शूट कर रही हूँ जस्ट बिकॉज हमारे घर पे बहुत सारे रिलेटिव्स आए हैं. सो यू ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस कैटाफिल. यू कैन कॉल इट इज कैटाफिल और सैटाफिल, इट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन यू. सो ये मॉइस्चराइजर मैं पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में दिखा चुकी हूँ. आई लाइक दिस मॉइस्चराइजर बट पता नहीं क्यों एक वो होते हैं ना कि मेडिसिन की स्मेल आती है. सो ये इतना सा बचा हुआ है, यू कैन सी मैंने इसको सारा खाली किया, इसी बात ने मैंने इसको यूज़ नहीं किया. एंड इसकी जो कंसिस्टेंसी है काफ़ी थिक है, स्पेशली उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है और आप लोग कुछ भी आप लोगों की स्किन पर सूट नहीं करता है. तो ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है सो यू कैन चेक दिस वन. अगर आपकी स्किन पर कोई एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम है या कुछ भी है, अगर आपको कुछ भी सूट नहीं करता है तो यू कैन ट्राई दिस वन फ्रॉम कैटाफिल. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस कामा आयुर्वेदा का रोज़ वाटर. डेफिनेटली रिकमेंड दिस वन. ये इतना अच्छा है लाइक यू कैन ट्राई बोथ ऑफ दिस और यू कैन ट्राई लाइक आप ये भी ट्राई कर सकते हो, ये भी ट्राई आप इन दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हो, दोनों बहुत अच्छे हैं. अगर बात की जाए प्राइस वाइज तो इसका प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा है. ये एक हाई एंड प्रोडक्ट है कामा आयुर्वेदा, क्योंकि ये छोटी सी बॉटल भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है. और इसी के हिसाब से अगर हम गुड वाइब्स का टोनर देखें तो काफ़ी अच्छा है और सेम ही वर्क करता है, दोनों ही रोज़ वाटर हैं. बट गुड वाइब्स का बजट फ्रेंडली है सो जिन लोगों के पास बजट कम है वो गुड वाइब्स का ट्राई कर सकते हैं. बट ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, क्वालिटी दोनों की बहुत अच्छी है. सो डेफिनेटली रिकमेंड बोथ ऑफ दिस प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ गुड वाइब्स का रोज़ हिप फेस सीरम. आप लोगों ने देखा है मैंने कितनी बार इसको रीपर्चेज किया. लाइक ये छोटी वाली बोतल है, इसके बाद मैंने इसमें बड़ी बोतल भी ऑर्डर की थी. बट ये इतनी ज़्यादा गर्मी के टाइम पे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते बट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है.
अभी तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और आप लोगों को बताइए यार कितना अच्छा लगा था, अभी मैं इसको बार बार रीपरचेज करती हूँ, काफ़ी अच्छा है, स्किन एकदम स्मूथ कर देता है। सो आप इसको ले सकती हो और मैं इसको डेफिनेटली रीपरचेज करूँगी, और ये एक गुड परचेज़ है, मैं इसको बोल सकती हूँ, दिस वन इज़ अ गुड परचेज़। नेक्स्ट 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 या दिस इज़ द मेकअप फिक्सर फ्रॉम द स्विस ब्यूटी एंड आई एम फ्रिकिंग लव दिस स्विस ब्यूटी मेकअप फिक्सर। मैंने इतने सारे मेकअप फिक्सर ट्राई किए हैं बट ये इतना चीप प्रोडक्ट है, बट येट इट इज़ सो अफोर्डेबल, लेकिन बहुत ही अच्छे से वर्क करता है आपकी स्किन पे, आपका मेकअप एकदम से मेल्ट करके आपकी स्किन ऐसे लगती है कि नेचुरल है। सो अगर आप एक अफोर्डेबल मेकअप फिक्सर की साइट पर जाना चाहते हो, यू कैन ट्राई दिस वन फ्रॉम द स्विस ब्यूटी। इसके अलावा ब्लू हेवन का भी मैंने ट्राई किया, वो भी काफ़ी अफोर्डेबल है, बट अफोर्डेबल है लेकिन इतना अच्छे से वर्क नहीं करता है। सो आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस वन फ्रॉम द स्विस ब्यूटी। सो दिस कंसीलर इज़ फ्रॉम द शुगर, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने इसको अंडर आइज के नीचे लगाने की जगह अपने फेस पे ज़्यादा यूज़ किया, क्योंकि इतनी अच्छी कवरेज देता है, एकदम नेचुरल कवरेज देता है जब भी मुझे बाहर जाना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें येलो टिंट है जो मेरी स्किन पे बहुत अच्छे से सूट करता है, बिकॉज बीटी स्किन है मेरी, तो उस पर क्या होता है येलो कलर का अगर आप फाउंडेशन या कंसीलर लगाते हो तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सो इसको मैंने सारा अपने फेस पे यूज़ किया है, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये शेड है 12 कॉर्न लीचे, तो ये 12 कॉर्न लीचे जो शेड है ये बहुत अच्छे से हमारे डार्क सर्कल को कवर करती है, क्योंकि इसमें येलोइश अंडर टोन है, तो आपको पता है कि येलो जो कलर होता है वो करेक्ट करता है हमारे डार्क सर्कल को। सो डेफिनेटली रिकमेंड, लेकिन ये बहुत कॉस्टली है यार, इससे अच्छा भी मैं आपको बजट फ्रेंडली कुछ दिखा सकती हूँ, ये कोई 700 से 800 रुपीज़ कॉस्ट करता है और बहुत ही कम क्वान्टिटी है, सो इसका ड्यूब भी है मेरे पास। ओके नेक्स्ट प्रोडक्ट ये है NY बेकी लिप बाम एंड आई जस्ट लव दिस लिप बाम, यू कैन सी मैंने पूरी ख़त्म की हुई है इसको, ये एकदम से आपके लिप्स को यू नो प्लम्प कर देती है, आपको वो जो नहीं होता इंजेक्शन चले हैं आजकल लिप्स को प्लम्प करने के लिए, यू डोंट नीड दैट, क्योंकि ये बहुत अच्छे से आपके लिप्स को प्लम्प कर देगी। एंड आप गेस कर सकते हो इसका प्राइस, इट इज़ जस्ट फॉर ₹89, और डिस्काउंट पे तो पता नहीं मुझे 59 की मिली थी, बहुत ही अच्छी थी बट क्वान्टिटी कम थी तो प्राइस भी कम था ना यार। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बहुत सारी एम्प्टीज है मेरे पास। ओके दिस वन इज़ अगेन फ्रॉम द गुड वाइब्स, गुड वाइब्स के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, जब से मैंने गुड वाइब्स के प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट किया है मैं इनको लेती रहती हूँ, कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ। ओके ये है गुड वाइब्स का पपाया फेस वॉश, मैंने इसका पपाया टर्मरिक और 2-3 ट्राई कर लिए हैं, बट पपाया को मैं हमेशा रीस्टॉक करती हूँ, मेरे पास एक ना एक पड़ा ही होता है, क्योंकि पपाया वाला फेस वॉश बहुत ही अच्छा है, स्किन पे बहुत ही माइल्डली काम करता है, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा आपकी स्किन पे। डेफिनेटली रिकमेंड दिस वन फॉर द ड्राई स्किन फैमिली। नेक्स्ट वन इज दिस, आई एम लिटरली डिसअपॉइंटेड विद दिस प्रोडक्ट फ्रॉम नायका, मैंने नायका से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, नायका के ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, बट ये जो फुट क्रीम है इसकी, मैं इसको सारा ख़त्म कर चुकी हूँ, ऑफकोर्स मेरे पास कुछ था नहीं तो मुझे यूज़ करना ही था, बट ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये आपके फुट पे कुछ भी असर नहीं करती, अगर आपके क्रैक सील हैं ये उनको ठीक नहीं करेगी, अगर आपके थोड़े नॉर्मल, मेरे तो क्रैक सील हैं ही नहीं, बट नॉर्मल अगर आपको रफ भी दिखते हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं करती है उसको। सो यू कैन सी एम्प्टी तो मैंने कर दिया, बट आई एम नॉट रिकमेंड दिस वन, क्योंकि इससे भी अच्छी बजट फ्रेंडली फुट क्रीम आपको और जो अच्छे से वर्क करती है मिल जाएंगी मार्केट में। सो अगर आप इसको लेने वाले हो तो डेफिनेटली मत लेना, क्योंकि मेरे पे तो ये बिल्कुल भी वर्क नहीं की। ओके सो नेक्स्ट वन इज़ दिस प्रोडक्ट फ्रॉम बायोटिक, यू कैन सी अभी तक पूरा फुल है, मैंने इसको ले लिया था एक समझ के फेस वॉश या फिर क्लेंज़र जो भी है, बट ये क्या था मुझे कुछ समझ नहीं आया, ये बायोबेरी हाइड्रेटिंग क्लेंज़र है, इसका क्या पर्पस है, ना तो ये फेस वॉश है, ना फेस को वॉश करता है, ना ये कोई मेकअप को रिमूव करता है, ये क्या है मुझे अभी तक भी समझ नहीं आया, लाइक मैंने इतने प्रोडक्ट लाइफ में ट्राई किए हैं बट ये क्या है क्या नहीं मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। इसको लिखा है कि आप इसको लगा के ऐसे रख सकते हो, ना ही तो ये मॉइस्चराइज़र है, इतनी इसकी गंदी सी स्मेल है, लाइक डेफिनेटली नॉट रिकमेंड है क्या ये हाइड्रेटिंग क्लिंजर है, सो कभी मत लेना इसको लाइफ में। सो नेक्स्ट वन, दिस इज़ अगेन फ्रॉम गुड वाइब्स, इट इज़ देयर डीप मॉइस्चरिंग फेशियल ऑयल, कैमिलिया फेशियल ऑयल। सो विंटर्स में मैं इन दोनों को कॉम्बो में यूज़ करती थी, रोजिप सीरम को और इस ऑयल को, क्योंकि स्किन मैंने बताया बहुत ज़्यादा ड्राई होती है विंटर्स में, और ये दोनों चीज़ें जब मैं मिला के यूज़ करती थी बहुत अच्छे से वर्क करती थी मेरी स्किन पे, स्किन कभी मेरे को ड्राई फील हुई नहीं इनको, इन प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद। सो आप भी विंटर में इसको ट्राई कर सकते हो एंड डेफिनेटली लव दिस प्रोडक्ट।
नेक्स्ट वन इज दिस फ्रॉम मामा अर्थ स्किन प्लम फेस सीरम विद हाइलुरोनिक एसिड एंड रोजिप ऑयल फॉर एजलेस स्किन. बकवास प्रोडक्ट है एकदम. मुझे एक्चुअली ये प्रोडक्ट फ्री में आया था. मैंने मामा अर्थ की वेबसाइट से बहुत सारी शॉपिंग की थी, लाइक उनका शैम्पू और कंडीशनर बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी, उनका ऑयल वगैरह, तो ये चीज़ मुझे फ्री में मिली थी. बट ये फ्री में मिलने के लायक ही थी. लाइक अभी तो मैंने ख़त्म कर दिया, मैंने इसको पूरा यूज़ किया इसके रिजल्ट्स देखने के लिए. बट ये बिल्कुल भी इसमें कुछ ऐसी खास बात थी नहीं कि मैं इसको अपने पैसे खर्च के परचेज करूँ. एकदम बकवास प्रोडक्ट था और ये इतना महंगा, लाइक 599 का 30 ml आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आपको बिल्कुल भी 600 rupees इस पर स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है. मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे फेस सीरम है, लाइक मैं आपको पहले भी बताया रोजिप सीरम है, इतने अच्छे से सीरम है जो अच्छे बजट फ्रेंडली भी हैं. तो मामा अर्थ का ये वाला सीरम एकदम बकवास है. ओके, द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम द गुड वाइब्स. इट इज़ देयर सनस्क्रीन. इट इज़ देयर वाइड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन. मुझे ये सनस्क्रीन कुछ खास समझ आई नहीं, बट बजट फ्रेंडली थी तो मैंने ले ली और मैंने इसको पूरा यूज़ कर दिया. डेफिनेटली नॉट प्री परचेज दिस अगेन. अभी मैं इसको फिर से परचेस नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे इतनी कुछ खास लगी नहीं. क्रीमी सा टेक्स्चर है और बहुत जल्दी स्किन से जो है ऑयल भी प्रोड्यूस कर देती है. सो नहीं लूँगी मैं इसको फिर से. अब इतनी जल्दी जल्दी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ना, लाइक क्या है ये ब्लॉग है क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. बट ठीक है, मैं अपने काम भी दिखा रही हूँ. और एक्चुअली सिट डाउन वीडियो इसलिए नहीं करनी थी कि उसके लिए एक प्रॉपर सेटअप लगाना पड़ता है. बट ब्लॉग में यू कैन मतलब कैसे भी हो, जैसे भी उठो बैठो, जैसे भी दिखा सकते हो. सो मैं आपको अपनी नेचुरल चीज़ें दिखा सकती हूँ. लाइक वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रॉपर मेकअप करके ऐसे पूरा सेट होके बैठना पड़ता है, बट ब्लॉग में चलता है कुछ भी है. ओके, ये था ये रेज़र फ्रॉम टिंकल आई गेस, जो मैंने अमेजोन से परचेज़ किए थे. यस, ओके, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे. स्किन पे बम्स आ जाते हैं इसको यूज़ करने के बाद, क्योंकि इनके जो रेज़र हैं आगे से अच्छा नहीं है. तो आपको बहुत ही ज़्यादा वो करना पड़ता है, ज़ोर लगाना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा पुश करना पड़ता है, तो स्किन के लिए अच्छा नहीं होते ऐसे रेज़र. सो आई डोंट लाइक, मतलब टिंकल के रेज़र बहुत ज़्यादा बिकते हैं, इनकी रेटिंग्स काफ़ी अच्छी होती है, बट मेरे को ये बिल्कुल भी सही नहीं लगे, ना ही कुछ पसंद आया, सारा सामान गिर गया. ओके, ये एन बाय वे का ये एक कॉम्पैक्ट पाउडर था, बट ये मेरे से टूट गया और अब मैं इसको यूज़ नहीं कर रही. इतना सा थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा लाइटिंग के मैंने रिंग लाइट लगाई हुई है, उससे इतना दिख नहीं रहा क्योंकि मेरे रूम में लाइट कुछ खास थी नहीं, तो मैंने रिंग लाइट लगा ली. तो ये थोड़ा सा इफ़ यू कैन सी गया वो भी. क्या क्या हो रहा है यार ये. ओके, सो मुझे इतना कुछ खास ये मुझे बहुत खास लगा था, बट ये सारा क्या हो गया, टूट गया मेरे से. मैंने इसको कोई 10-15 दिन नहीं यूज़ किया था, ये टूट गया था. तो इसमें मैंने एक वीडियो भी शूट की थी, खाली इसको लगा के मैंने अपना मेकअप किया था. तो आप भी इसको ले सकते हो अगर आप अफोर्डेबल एक ढूंढ रहे हो. क्या चीज़, कॉम्पैक्ट पाउडर. मेरा ध्यान सारा बाहर चला गया, संगीत जो चल रहा है ना. यस, दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी वेरी गुड. ये एक एन बाय बे का कंसीलर फाउंडेशन कुछ तो था, अभी ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बट मैं इसको ऐसे करके निकालूंगी तो ये निकल आएगी. तो ये था, इसका शेड नेम था गोल्डन, एन बाय वे गोल्डन 03 कुछ शेड नंबर है इसका. बहुत ही अच्छा है ये, येलो, अगेन येलो कलर का है, येलो है. और ये स्किन इतनी अच्छी कवरेज देता था, बिल्कुल एकदम स्किन नेचुरल लगती थी इसको यूज़ करने के बाद. मैंने इसको पूरे फेस पे जब भी लगाती पूरे फेस पे लगाती थी, लाइक फाउंडेशन की तरह, फाउंडेशन स्टिक की तरह इसे अप्लाई करके. और इसको आप हाथों से भी ब्लेंड करोगे तो बहुत अच्छा आपको मतलब रिजल्ट मिलेगा, बहुत नेचुरल लगेगी आपकी स्किन. लिप बाम फ्रॉम ब्लू हेवन, काफ़ी अच्छी लिप बाम थी यू कैन सी. और प्राइस काफ़ी सस्ता था, लाइक 89 rupees आई गेस. तो ये मैंने सारी ख़त्म कर दी, लाइक बीच में से खरीद के भी निकाल के मैंने इसको सारा लगाया हुआ है. सो डेफिनेटली रिकमेंड दिस वन. सो आई गेस सारे, हाँ एक प्रोडक्ट ये था फैदर का फेस रेजर बाय नायका. मतलब नायका पे ही मिल जाता है, अब नायका का तो नहीं है बट नायका पे ही मिल जाता है फैदर का फेस रेजर. ये बहुत अच्छा था, बहुत स्मूथली जो है आपके सारे हेयर को निकाल देगा. तो डेफिनेटली 15-20 बार आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने फेस पे, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है अपने फेस पे. मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला फेस रेजर. अब मेरे पास ये वाले सारे ख़त्म हो गए हैं, मैंने कुछ और ट्राई किया बट ये काफ़ी अच्छा था. डेफिनेटली अगर मुझे वो नए वाले अच्छे नहीं लगे तो मैं इसको रीपरचेज करूँगी. अब मैं सारे प्रोडक्ट जो अभी इसमें डाल लेती हूँ एक ही बार में. सो यू कैन सी कितने सारे प्रोडक्ट हो गए थे, और मेरे को ये दिखाने भी थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग शूट कर लूँ. घर पे इतने रिलेटिव आए हैं बट मैं नहीं दिखा पाती क्योंकि यहाँ के लोगों को समझ नहीं आता कि मैं क्या बना रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ.
सो मेरे को भी अच्छा कंफर्टेबल नहीं फील होता है, लाइक मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है जब मैं अपने, मेरे को ब्लॉग बनाना अच्छे लगते हैं, बट जिन लोगों को समझ भी आ रहा हो कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे लोगों को लगता है कि मैं तो नहीं क्या ही कर रही हूँ, बट ठीक है मुझे तो अपना काम करना ही है ना। सो अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास कुछ और चीज़ें जो ख़त्म होने वाली हैं, तो आई गेस मुझे अभी आपको दिखा देनी चाहिए। नायका की हैंड क्रीम है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुकी है, यू कैन सी, एक बार ही और दबा के निकलेगी, तो ये नहीं तो फिर काट के लगानी पड़ेगी। ये भी कुछ खास है नहीं, नायका की फुट क्रीम और हैंड क्रीम कुछ खास नहीं है, सो मैं नहीं रिकमेंड करूँगी किसी को भी ये वाली चीज़ें, तो अगर आप ले रहे हो तो डेफिनेटली मत लेना नायका की ये वाली, इसको मैं अपनी एम्प्टीज में डाल रही हूँ। सो ये एक मेकअप फिक्सर मैंने आपको बताया ब्लू हेवन का, मेरे पास था बट मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, इसकी स्प्रे इतनी गंदी है, लाइक अगर आपने मेकअप किया है ना पूरा अच्छा खासा आप तैयार हुए हो और आप इसको एकदम से अपने फेस पे यू नो स्प्रे करोगे ना, इसकी स्प्रे इतनी गंदी है, अगर पास से करूँ ना एकदम सारा मेकअप निकल जाएगा। सो ये मुझे अच्छा नहीं लगा ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी, और मेरे पास तो कुछ मुझे खास दिख नहीं रहा अभी जो ख़त्म हो रहा है। सो यस, एक और मुझे चीज़ मिली है, सो ये है ये लॉरेल का टेक्नियाडलिस कंट्रोल सीरम, यू कैन सी ये एकदम ऑलमोस्ट फिनिश है, ये इतना अच्छा था ना, इतना अच्छा था ये वाला सीरम, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला सीरम, बाल इतने सॉफ्ट कर देता है, इतने सिल्की स्मूथ कर देता है, और इसका प्राइस भी काफ़ी हाई है, लाइक 600-700 है, और 600-700 फॉर अ सीरम इज़ अ बिग प्राइस। तो मैं इसको दो तीन बार लिया है मैंने इसको अपनी लाइफ में, लाइक लॉरेल के सीरम मुझे बहुत पसंद है और बहुत कम क्वांटिटी यूज़ होती है यार, लाइक मेरा लिटरली पूरा साल चलता है ये वाला सीरम, अगर मैं मतलब किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी तो, अगर बीच में कभी शेयर करना पड़े एक दो की, कभी शादी में चले जाओ तो फिर तो जल्दी ख़त्म हो जाता है। सो यार मुझे कुछ खास अब दिख नहीं रहा करने के लिए, एक तो आपको अपनी रूम की हालत दिखा देती हूँ एक बारी, कैमरा पहले साफ़ कर दो। सो यू कैन, सो ये कुछ एंट्रेंस है मेरे रूम की, यहाँ पे मैंने रिंग लाइट भी लगाई थी क्योंकि रूम की लाइट्स काफ़ी कम थी। सो यहाँ पे हमारा एसी सेट बैठा है, एकदम रूम को ठंडा कर रहा है। ओके तो ये मेरी बेडिंग है, यहाँ पे मैं ब्लैंकेट पड़ी होती हूँ मैं सरदम से, क्योंकि अभी मुझे कुछ काम धाम तो करना है नहीं। ये दो बैग हैं जिनमें मेरे कपड़े एकदम फुल पड़े हुए हैं लेके जाने के लिए, ऑफकोर्स ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं कुछ जो इस बॉक्स में पड़े हैं, इनको मैं यूज़ करती हूँ अभी जब तक मैं यहाँ पे हूँ। एंड दिस इज़ द माई सेल्फी मिरर, आई जस्ट लव दिस मिरर, ये मेरे अभी अभी लगवाया है, एंड मैं कुछ इस तरह से ट्राउज़र और टी शर्ट में हूँ, और यहाँ पे इसकी आवाज़ भी आ रही होगी आई एम श्योर, सारा ब्लॉग ख़राब कर रही होगी। सो शीशा गंदा हो रखा है वहाँ से ना। तो ये यहाँ पे अब बहुत गंदा मैसी पड़ा है इस टाइम पे, देख सकते हो बहुत ज़्यादा मैस है इधर। मेरा मन था कि मैं बाहर जाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ, जो अभी लेडीज़ वगैरह आई हैं काफ़ी ज़्यादा रश पड़ा है, बट ठीक है नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि पता नहीं उनको अजीब ना लगे कि यार क्या लेके आ गए, कैमरा किसी को वीडियो कॉल करके तो नहीं दिखा रही है ना। सो ठीक है अभी के लिए यहीं तक रहते हैं अब रूम में ही, तो मेरा बाहर भी जाती भी नहीं हूँ ज़्यादा लेडीज़ के बीच में, बट खाना वाना सारा हो गया है, मुझे लगता है कि मुझे सो जाना चाहिए थोड़ी देर तक, बट ठीक है देखते हैं कब तक सोती हूँ। और अभी कुछ ऐसा खास दिख नहीं रहा, और आई गेस ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया होगा प्रोडक्ट दिखाते दिखाते, ये एक वीडियो ही थी बट मैंने इसको ब्लॉग में कन्वर्ट कर दिया, मुझे ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे को ये सारे प्रोडक्ट्स जो भी थे मेरे को फेंकने थे, तो मैं सोच रही थी पहले आपको दिखा लूँ फिर ही फेंकूँ एक ही बार में, क्योंकि मुझे दिखाने भी थे कि आपको कुछ चीज़ें मेरे पास इतनी खाली हुई हैं कि मुझे आप मैंने जो भी यूज़ किया है मुझे आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने थे कि आपको लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, सो वो भी मैंने शेयर कर दी, तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है, अब मैं इनको फेंक सकती हूँ तसल्ली से। सो यू ऑल आर इन्वाइटेड मेरी शादी के लिए, सो जाती हूँ अब मैं, सॉरी रेस्ट तो यहीं पे करनी है, बट ठीक है आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में जब भी टाइम लगता है। आई गेस मुझे इसी तरह से कभी भी किसी भी टाइम कैमरा उठा के शूट कर लेना चाहिए ब्लॉग आप लोगों के लिए, सो इससे मेरे को भी एक सेटिस्फेक्शन रहती है, मुझे भी हैप्पीनेस मिलती है, और जो लोग मुझे देखना पसंद करते हैं उनको भी खुशी होती है। सो सी यू सुपर सून माय नेक्स्ट ब्लॉग और वीडियो गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, अभी तो ब्लॉग छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा, बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ करने के लिए, बट ठीक है एक टाइम आएगा जब हम बहुत सारी बातें करेंगे,
सो सी यू सुपर सून इन माई नेक्स्ट ब्लॉग. बाय बाय. ब्लॉग बहुत लंबा हो गया होगा इसलिए बंद करना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं उसको बहुत लंबा कर सकती थी. बट या ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया होगा. अपडेट ये है कि लहंगा अब तक बना नहीं है, रेडी नहीं है, और टेलर बहुत ज़्यादा ड्रामे कर रहा है. 20 को बोला था और आज 20 है. नहीं, हाँ 20 को बोला था, आज 20 है. आज संडे वैसे भी नहीं मिलता क्योंकि लॉकडाउन था, बट कल मंडे है, वो नहीं रेडी हुआ देने को. वो बोल रहा है ट्यूसडे को दूंगा. सो घर पे भाई भी बहुत गुस्सा कर रहा है कि यार कब मिलेगा कब नहीं, क्योंकि मैं बार बार बाहर नहीं जा सकती. इसी मंथ के एंड में शादी है तो अभी तक मुझे कुछ मिला ही नहीं अपने कपड़े रेडी होके. हल्दी का लहंगा अभी तक नहीं मिला, लूज था, वो स्टिच नहीं हुआ है. मेहंदी की ड्रेस बनी है बट टाइट हो गई. बैंगल सेरेमनी की ड्रेस रेडीमेड ली थी बट वो भी लूज़ थी, टाइट करवाने दी हुई है. मेरे पास कोई भी ड्रेस इस टाइम अवेलेबल नहीं है. सो मेरा सारा ध्यान भी उधर ही रहता है अभी तक. सो ठीक है, बाय बाय. सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय.